नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। दोस्तों, हमारे बहुत सारे एपिसोड आए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लोगों ने सराहा है। अब जो लोगों का टेस्ट बन रहा है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो वॉच कर रहे हैं, अब उनके अंदर एक अलग तलब उठी हुई है। वो ये है कि रमन जी, आप हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुंडली के बॉक्सेस के बारे में और डीपली बताइए, ताकि हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो और बढ़ रही है उस चीज को जानने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अकेला बंदा सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर उसके साथ सारे बंदे उसके साथ चलेंगे, एक प्रॉपर हम इसे, मैं फिर से बता रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी को मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअली बंदा आगे चल सकता है। एक मिशन होता है, एक संकल्प होता है, उसके माध्यम से ही आप आगे आ सकते हैं। तो बातों को इधर उधर ना करते हुए कम टू द पॉइंट बात करेंगे। आपकी कुंडली के अंदर नाइन्थ बॉक्स, जिसे हम भाग्य बोलते हैं, भाग्य का स्थान, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक ही ये होगा, नाइन्थ बॉक्स, जिसे भाग्य का द्वार या नाइन्थ बॉक्स को बोला जाता है, किस्मत का दरवाजा। देखिए कितनी बढ़िया चीज आई है इसमें, किस्मत का डोर, दरवाजा। जिनको समझ नहीं आएगा, इनके लिए मैं शब्द यूज करूंगा डोर। तकदीर का साथ, क्या बंदा बोलता है तकदीर मेरी साथ नहीं दे रही है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, दिन रात मैंने ये करा हुआ है, लेकिन मेरी तकदीर मेरे साथ नहीं है। अब तीसरी बात, जिसे हम बोलते हैं लक, गुड लक, लक का साथ। देखिए, है ये एक ही चीज, लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस के अंदर, भाषाएं जो है उनके अंदर ये शब्दों का यूज होता है। भाग्य का घर भी बोला जाता है इसे। ये इसमें अब देखना क्या है, देखिए मैंने बताया है कुंडली के कुछ ऐसे दो चार बॉक्स है, अगर आप इनको जगा लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा जिंदगी में चेंज आना ही आना है। अब बात हो रही है, यहां पे एक चीज सुन के चलिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रत्न उस भाग्य का पहनेंगे तो ही चमकेगा, उपाय भी है, रत्न पहनिए, बने हुए हैं उसे आप पहनेंगे तो फर्क आएगा। देखिए ये मेडिसिन है, मेडिसिन अलग अलग, एलोपैथी हो सकती है, होम्योपैथी हो सकती है, आप किसी वैद्य के पास जा रहे हैं, औषधियां भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसमें मेडिसिन बोला जाता है। तो बात हो रही है तकदीर की, बात हो रही है भाग्य की, बात हो रही है आपके अपनी किस्मत की। अब जिंदगी में देखिए, मेरी एक बात समझिएगा, जिंदगी है ही कितनी, बहुत ज्यादा, कोई 500-600-700 साल तो नहीं है। अब छोटी सी लाइफ के अंदर अगर मैं इसको 80 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 80 के अंदर आप मान के चलिए 20 साल तो आपके ये निकल गए कि आप अभी बचपन से जवानी की तरफ जा रहे हैं। 20 इसमें निकल गए आपके बुढ़ापा, 40 तो ये चले गए। अब ये जो 40 इयर्स है, इसी के अंदर आपने सब कुछ पा लेना है, इसी के अंदर आपने अपनी जान लगा देनी है। अब मेरे पास एक ऐसे सज्जन आए थे, और मैं उनका यहां पे नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, तो वो 76 के थे। अब आए, बैठे, बात हुई, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप मतलब अब लाइफ में क्या चाह रहे हैं। बोले मैं अपना, क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और नाम तो था, लेकिन जब पीछे चलते हैं 76 इयर्स पहले, तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ हो, होती थी, गलत टाइम गलत होता था। तो उनका हाथ देखा मैंने, उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपकी प्लेनेटेशन, पर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अभी भी, मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मैं कुछ कर देना चाहता हूं। जबकि होटल लाइन के अंदर वो बहुत ही उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो चाहते थे कि मैं कुछ और करूं, समथिंग न्यू। तो इसे क्या बोलेंगे, उनका भाग्य कितना स्ट्रांग होगा, कितना साथ दे रहा होगा। दोस्तों जज्बा, अंदर आगे आने की एनर्जी, स्टेमिना, वो क्या है। तो बात हो रही है भाग्य की, बात सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं यहां पे,
अगर आप भाग्येश का रत्न पहनते हैं तो दोस्तों मैं बहुत क्लियरली बता दूं, चेंज आना ही आना है। इसके उपाय लेते हैं, उपाय के अंदर क्या होता है, देखिए उपाय का मतलब यह नहीं है कि किसी को उलझा देना है, सिंपल उपाय है, मंदिर जाइए, वहां पे दान धर्म और कर्म के साथ जुड़ जाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो गौशाला चले जाइए। हमने किसी भी प्रकार दान करना है, ये दान ही है जो आपकी जिंदगी चमका देगा। अब बात कर रहे हैं नाइन्थ बॉक्स की, तो नाइन्थ बॉक्स के अंदर देखिए प्लेनेट कौन सा बैठा है, उस प्लेनेट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, उसे छोड़िए ना, उपाय लीजिए उसके, बहुत अच्छे से उपाय लीजिए। टॉप 10 उपाय भी आते हैं दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं ये नहीं बोलता कि उनके असर नहीं है, बहुत लेट है, लेकिन टॉप 10 तो फिर टॉप 10 ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। अब बात कर रहे हैं जब आप उपाय लेते हैं तो क्या करेगा, वो तकदीर की जितनी चीजें रुकी हुई उन्हें खींच के लेके आएगा आपकी तरफ, भागती हुई चीजें आएंगी, गाड़ी बंगले मकान दुकान। अगर आप ये सारी चीजें पा लेना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ करना है, अब बहुत मैंने जिंदगी में स्ट्रगल कर लिया, बहुत धक्के खा लिए, तो दोस्तों पकड़ लीजिए नाइन्थ बॉक्स को, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं किसी लाइन में भी आप चले जाइए, इफ यू आर अब अगर आप आउट ऑफ द वे भी जा रहे हैं लाइन में, प्रोफेशनल लाइन की बात कर रहा हूं, तो भाग्य आपका साथ देगा तो आप उसमें भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अंदर से जागना पड़ेगा, कुंडली को जगाना पड़ेगा, सोए हुए ग्रहों को, अंधे ग्रहों को जगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। हाँ, अब आपने करना क्या है, अगर आप नाइन्थ बॉक्स के बारे में और जानकारी लेना चाह रहे हैं, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाह रहे हैं तो इन नंबर्स के ऊपर फोन करिए, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट जब आप प्राप्त करेंगे, टाइम आपको आएगा तो आप अपने घर बैठे ही उपाय ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस आएंगे, चंडीगढ़ मेरे से मिलेंगे, घर बैठे भी ये उपाय कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपके साथ एक प्रॉमिस करता हूं कि डे बाय डे आपको नए अपडेट्स आते रहेंगे। तो दोस्तों सारी बातों को विराम लगाते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि सही समय पर अगर आप सही क्लिक लेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।